नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं NTNET JRM की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए हिंदी मीडियम में वीडियो लेक्चर लेके आता हूँ। और दोस्तों, मैं बता दूँ, पिछले वीडियो में मैंने अनुसंधान के सोपान के बारे में डिस्क्राइब किया था, एक एक बताया था मैं। अगर उस वीडियो को आप नहीं देख पाए होंगे तो उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों, हम इस वीडियो में कवर करेंगे उपकल्पना क्या है, जिसको परिकल्पना भी कहा जाता है। इसको हम सविस्तार वर्णन करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना देर की, और चलते हैं। आज का टॉपिक है अपना उपकल्पना, जिसको इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहा जाता है। और क्या है ये चीज, हम जानते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने उपकल्पना, जिसको इंग्लिश में हाइपोथेसिस कहा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे हम उपकल्पना का अर्थ। तो उपकल्पना का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों पूर्व चिंतन, यानी कि पूर्व कल्पना भी कह सकते हैं उपकल्पना को। अर्थात शोधार्थी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वह अपना अनुसंधान कार्य में परिकल्पना या उपकल्पना प्रारंभ यानी कि समाहित ना करे। तब शोध कार्य में परिकल्पना का बहुत बड़ा रोल होता है। ये आखिरी शोध के अंतिम बिंदु तक पहुंचाने में और पहुंचने में बहुत मददगार साबित होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम आगे परिकल्पना। परिकल्पना के अभाव में अनुसंधान की ना तो दिशा निर्धारित होती है और ना ही विषय क्षेत्र का ज्ञान होता है। बिना पूर्व चिंतन, बिना जो योजना बनाए किसी भी काम को कहा जाए, तो ये शोध का ही नहीं, किसी भी कार्य को अगर करें तो उसका लक्ष्य तक पहुंचने में परेशानी हो सकता है। उपकल्पना एक प्रकार से अप्रत्यक्ष तथ्यों का उपयोग प्रत्यक्ष को समझने में किया जाता है। जो अप्रत्यक्ष तथ्य हैं, अप्रत्यक्ष आंकड़े हैं, हम जिसको देख नहीं पा सकते, उन चीजों को समझने के लिए पूर्व कल्पना के माध्यम से हम उसका समाधान कर सकते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं। इसलिए इसे प्राकल्पना, परिकल्पना या पूर्व कल्पना आदि नामों से भी जाना जाता है उपकल्पना को, हाइपोथेसिस को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक दोस्तों आपके NTNET एग्जाम के लिए। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए आप लोग। और दोस्तों आगे देखते हैं हम, एक जो विद्वान है उनके द्वारा जो परिभाषा दिया गया है उपकल्पना उपकल्पना का, तो यहाँ पे और भी समझ में आएगा आप लोगों को। तो यहाँ है परिभाषा, चार्ल्स लिंडबर्ग अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में लिखा है कि उपकल्पना एक सामयिक तथा कामचलाउ सामान्यीकरण अथवा निष्कर्ष है, जिसकी सत्यता की परीक्षा करना अविशेष है। अपने बिल्कुल प्रारंभिक चरणों में उपकल्पना कोई अनुमान, कल्पनापूर्ण या कल्पनापूर्ण विचार या अथवा सहज ज्ञान इत्यादि कुछ भी हो सकता है, जो क्रिया या अनुसंधान का आधार बन जाता है। सोशल रिसर्च में जो विद्वान है जॉर्ज लुंडबर्ग, इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करके इन्होंने परिभाषा दिया है कि कहा है इन्होंने उपकल्पना को, ये किसी प्रकार के कामचलाउ सामान्यीकरण है जो निष्कर्ष तक पहुंचने में बहुत मददगार साबित होता है। इसको किसी भी प्रकार के नाम से जाना जा सकता है, कहना चाहिए तो ये अनुमान है, ये है ना, ये पूर्व कल्पना है। किसी धारणा को समझने के लिए इसमें पहले से चिंतन किया जाता है, अप्रत्यक्ष तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से सामने लाने के लिए। तो इस प्रकार से इसका नाम, जैसे कि बताया मैं, प्राकल्पना, परिकल्पना, उपकल्पना, पूर्व कल्पना आदि नामों से जानते हैं। और इंग्लिश में हाइपोथेसिस, तो ये अलग अलग टर्म है इसके, तो ये चीज याद रखिए, आपके एग्जाम में कोई भी टर्म को पूछ सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे उपकल्पना की विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ पे लिखा मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस, यहाँ पे मैं बिंदुवार समझाने का प्रयास करूंगा। और फिर भी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और समझ ना आए
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे पहला बिंदु है, उपकल्पना अनुसंधान कार्य का मार्ग निर्देशित करने वाली होनी चाहिए। उपकल्पना ऐसी होनी चाहिए जो अनुसंधान कार्य को करने के लिए मार्ग निर्धारित करे, अन्यथा अनुसंधान जिन तथ्यों का एकत्रित अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो जिन तथ्यों का एकत्रीकरण करेगा उनमें अधिकांश जो तथ्य होंगे वो त्रुटिपूर्ण होंगे, वो शोध के लिए कोई वैल्यू नहीं होगा उन आंकड़ों का। दोस्तों दूसरा है, परिकल्पना एक अस्थायी प्रक्रिया है, अस्थायी प्रोसेस है, ये सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। परिकल्पना पूर्व चिंतन है कि शोध का परिणाम परिकल्पना के अकॉर्डिंग ही आए, ये जरूरी नहीं है, ये गलत भी हो सकता है। जैसे हमने सोचा, जैसे पूर्व कल्पना हमारी थी वैसे ही एग्जाम भी, सॉरी ये शोध का रिजल्ट आए, ये भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस प्रकार से एक अस्थायी प्रक्रिया है, इसको स्वीकार भी किया जा सकता है और अस्वीकार भी किया जा सकता है, जिसका परिणाम अभी प्राप्त करना शेष है। दोस्तों तीसरा है, चरों के बीच तार्किक संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। उपकल्पना के माध्यम से शोध में तार्किक संबंधों को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। और पांचवा है दोस्तों, शोध में परिकल्पना यथासंभव सरल होना चाहिए। शोध में परिकल्पना जो प्रयुक्त किया जाता है वो शोध के अकॉर्डिंग यथासंभव और शोधकर्ता के व्यक्तित्व विचारों के आधार पर और उसको करने उसकी रुचि के आधार पर होना चाहिए। पांचवा दोस्तों, इसका सामान्यीकरण संभव हो तथा शोध समस्या का पर्याप्त उत्तर परिकल्पना द्वारा प्राप्त होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने कहा अभी जो पूर्व कल्पना या परिकल्पना है तो जैसे हमने सोचा था ठीक वैसे ही कुछ परसेंट में इसका परिणाम प्राप्त होना चाहिए। तो दोस्तों इस सेशन में हम इसी चीज को कवर करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उपकल्पना की कार्य और मुख्य उपकल्पना। तो नमस्कार दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक्स में।